हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी भी बिहार बोर्ड की ओर से यहां पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर है आप सभी के लिए। और परीक्षा रूटीन जो यहां पे जारी किया जा चुका है, जो भी छात्र 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं उन सभी छात्रों एवं छात्राओं के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे छात्रों को ये कन्फ्यूजन रहते हैं और आप सभी को एग्जाम्स भी छूट जाता है, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा किस तिथि से एग्जाम्स होने वाले हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर बिहार बोर्ड की ओर से आ चुका है, ठीक है। एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम रूटीन, किस तिथि को कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम्स है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि इंटर देखो मैट्रिक वालों तो सभी कराता है सेम, लेकिन इंटरमीडिएट में होता क्या है ना, यहाँ पे साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में बट जाता है। तो पूरी वीडियो जरूर देखना अगर आप एक क्लास 12 के छात्र हैं तो, और आने वाले बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल होना चाहते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही नई वीडियो कराऊंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे चीज़, ठीक है। स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले मैट्रिक वालों के लिए बता दूँ, यहाँ पे मैट्रिक वालों का जो है मैट्रिक वार्षिक परीक्षा देख सकते हो आप लोग। 2022 का एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है, मतलब 17 फरवरी से एग्जाम्स है, ठीक है। प्रथम पाली, सेकेंड पाली, जो प्रथम पाली में होंगे वही सेकेंड पाली में भी एग्जाम्स होने वाले। देखो गणित का, गणित का, ठीक है, विज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, इस तरीके, मतलब मैट्रिक वालों के लिए काफ़ी सिंपल है, ठीक है। ये रूटीन आप लोग देख लो और लिख लो, इसी रूटीन पर आप लोग को एग्जाम्स होने वाले हैं 2022 के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। चलिए ये सारे, और किसी भी तरह का दिक्कत है ना इस रूटीन के बारे में तो आप लोग वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करना, ताकि मैं उसको आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए इंटरमीडिएट वालों के लिए बता दो। इंटरमीडिएट वालों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो जाता है, जैसे देखो यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, और आप लोग को बता दूँ मैट्रिक वालों के लिए 17 फरवरी से और इंटरमीडिएट वालों के लिए 1 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, ठीक है। देखो 1 फरवरी से कितने फरवरी तक, देखो यहाँ पर आपको टोटल जो है यहाँ पे 14 फरवरी तक एग्जाम्स होने वाले हैं। तो 14 फरवरी तक आप सभी का एग्जाम्स नहीं होगा, जो भी छात्र यहाँ पे रखे हुए होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स उन सभी छात्रों का। जैसे यहाँ पे बता दूँ, अगर आप आईएससी हो, है ना, मतलब साइंस से हो, तो मैथमेटिक्स पहला सिटिंग्स में, मतलब पहला ही दिन जो है वो आपका मैथमेटिक्स भी है, और आईए वालों के लिए भी, मतलब आर्ट्स वालों के लिए भी है। दूसरा दिन आपका 2 फरवरी को फिजिक्स है, तीसरा दिन आपको केमिस्ट्री है, चौथा दिन इंग्लिश है, पाँचवा दिन आपका बायोलॉजी और छठा दिन हिंदी। इसका मतलब आप सभी को 8 फरवरी तक ही एग्जाम्स होने वाले हैं, है ना, 1, 2, 3, 4, 7 और 8, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्स होने वाले हैं। और देखो यहाँ पे सेकेंड में हिंदी है, यहाँ पे सेकेंड सिटिंग में, तो ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए है सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए, जो भी छात्र हिंदी रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे फैकल्टी जो लिखा हुआ ना, इसको आपको ध्यान में रखना कि किस फैकल्टी का कौन सा तिथि को एग्जाम्स यहाँ पे होने वाले हैं। यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ आईएससी का यहाँ पे है, और आईकॉम, और ये जितने भी आई साइंस के काफ़ी सारे छात्र रहते हैं, तो साइंस वालों के लिए यहाँ पर फैकल्टी देख लेना कि किस तिथि को कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस तिथि को मेरा एग्जाम्स है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो सबका सेम रहता है ना मैथ, लेकिन हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो जाता है कि फर्स्ट सिटिंग में है कि सेकेंड सिटिंग में है या फिर कब है। ये सभी चीज़ें आप लोग देख लेना, है ना, रूटीन से पहले यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आईएससी लिखा हुआ है, तो आईएससी को यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। आईएससी कि आईएससी वाले को जो अगर उर्दू, हिंदी ये सब रखे हैं, मैथिली, तो ये सब चीज़ यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे बिहार बोर्ड की ओर से काफ़ी यहाँ पे लेट से जारी किया गया, लेकिन आप लोगों को एग्जाम से वो पिछले साल के ही तुलना, मतलब हो रहा है उसी के अनुसार, क्योंकि 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ था 2022, मतलब पिछले साल 21 परीक्षा में, और 2022 का भी 1 फरवरी से होने वाला है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सभी छात्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों यही है आप सभी का वेबसाइट, यहाँ पे starkstudy.com गूगल पे लिखिए, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए यहाँ पर सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगे, और मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप लोग साइंस का, सोशल साइंस का, मैथमेटिक्स, हिंदी, संस्कृत, मतलब सभी सब्जेक्ट का आप लोग को स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे सर्च करके, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, बाय बाय सभी को। अगर किसी भी तरह का दिक्कत आती है रूटीन से संबंधित तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पर अब मॉडल सेट की तैयारी करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है।